द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। हाथरस में घटे हृदय विदारक घटना को लेकर अब फाइनली एसआईटी की रिपोर्ट भी सामने आ गई है। एसआईटी ने 300 पन्ने की रिपोर्ट दी है, लेकिन इस रिपोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि योगी जी का सिस्टम या योगी सरकार बाबा को हाथ लगाने के मूड में नहीं है। बाबा का जिक्र तक उस रिपोर्ट में नहीं है। बाबा को बचाने की पूरी कोशिश हो रही है। सूरजपाल जाटव उर्फ भोले बाबा, इन्हें बचाने के लिए योगी के सिस्टम ने अपने 300 पन्नों के रिपोर्ट में एक भी जगह कहीं बाबा के नाम पर स्याही चलाने की जरूरत नहीं समझी है। क्या कारण है? आखिर इसके पीछे ऐसी क्या प्लानिंग हो गई कि जिनके कार्यक्रम में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, इतने भयंकर रूप से लाशें बिछ गईं, उस घटना के जिम्मेदार बाबा कतई नहीं है? क्या आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं? इस मामले में तो अब एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद ब्रेकिंग खबर यह भी आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस कांड की सुनवाई के लिए हामी भर दी है। सीजेआई डीवा चंद्रचूड़ ने याचिका लगाने को कहा है और इस पर वो जल्द ही सुनवाई करने वाले हैं। तो एक तरीके से योगी सरकार की जवाबदेही शायद सुप्रीम कोर्ट से तय हो जाए, लेकिन एसआईटी ने तो यह मान लिया कि बाबा ही भगवान हैं, क्योंकि बाबा की कोई गलती इन्हें मालूम नहीं पड़ती। लेकिन कोई रिपोर्टिंग कर दे पुलिस के खिलाफ, एसआईटी के खिलाफ अगर कोई रिपोर्ट बना दे तो भले ही एफआईआर दर्ज हो जाए उन पत्रकारों पर, जैसा कि इन दिनों उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ देखे जा रहे हैं। एक के बाद एक पत्रकार को टारगेट पर लिया जा रहा है। अब जब एसआईटी की रिपोर्ट आई है, 300 पन्नों की रिपोर्ट है, इसमें डीएम एसपी का भी बयान है, लेकिन बाबा का जिक्र तक नहीं किया गया, इसको लेकर यहां हैरान कर देने वाली बात सामने आई है। पूरी तरीके से उस कार्यक्रम के आयोजन करने वाले आयोजक, जो उनके छोटी छोटी मछलियां हैं कार्यकर्ता, उन सबको जिम्मेदार बनाया गया और कुछ अफसरों पर भी गाज गिराने की तैयारी कर ली गई है। क्या कुछ मोटी मोटी बातें हैं इस रिपोर्ट में, चलिए वो हम पहले आपको दिखा देते हैं, बता देते हैं। आज तक ने लिखा है, अफसरों पर सवाल, आयोजन कमेटी पर निशाना, लेकिन बाबा का जिक्र नहीं। हाथरस कांड पर एसआईटी रिपोर्ट में क्लीन चिट। अब यह क्लीन चिट जो मिल गई है, यह अपने आप में सबको हैरान कर रहा है कि बाबा जी बच कैसे गए। बाबा जी के पास कौन सी ऐसी शक्ति है जो पॉलिटिकल जो कॉरिडोर है वो बाबा को हाथ नहीं लगाना चाहता? तो इसके पीछे एक फैक्ट भी है, वो हम आपको आगे बताते हैं। पहले जरा इस एसआईटी रिपोर्ट को देख लीजिए कि क्या कहा गया है। कहा जा रहा है, हाथरस में बीते 2 जुलाई को साकार विश्वहरि के सत्संग में मची भगदड़ की जांच करने वाली एसआईटी ने अपनी 300 पन्नों की रिपोर्ट सबमिट कर दी है। इस रिपोर्ट में सत्संग का आयोजन करने वाली कमेटी पर निशाना साधा गया है, जबकि अफसरों की उदासीनता पर भी सवाल उठे हैं। हालांकि इस रिपोर्ट में सूरजपाल जाटव उर्फ साकार विश्वहरि भोले बाबा का जिक्र तक नहीं है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि इतने सारे लोगों के बयान दर्ज कराए गए, 119 लोगों के बयान दर्ज कराए गए, बाबा जी से भी कुछ पूछ लेते। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है, एसआईटी ने अपने 300 पन्नों की रिपोर्ट में 119 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। इनमें हाथरस के डीएम आशीष कुमार, एसपी निपुण अग्रवाल से लेकर सत्संग की अनुमति देने वाले एसडीएम और सीओ सिकंदरा राव और 2 जुलाई को सत्संग की ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मियों के बयान भी शामिल हैं। लेकिन बाबा जी कहाँ हैं? बाबा जी से कड़क पूछताछ होने चाहिए थे कि वो अपने कार्यक्रम में इस तरीके की भीड़ देखने के बाद भी नैतिकता के आधार पर कोई फैसला क्यों नहीं किया, क्यों नहीं आयोजकों से कहा कि यह जो है खतरे का संकेत है, भगदड़ मच सकता है। और जब भगदड़ मच रहा था तो बाबा निकल रहे थे वहां से। बाबा को कुछ लोगों ने कहा कि बाबा को निकालने के लिए भगदड़ मच गई, तो जवाबदेही तो तय करनी पड़ेगी ना। एसआईटी अगर जांच भी करती है तो बाबा के इस पहलू पर भी जांच करती। वैसे भी इनका कोई साफ सुथरा इतिहास नहीं है, सूरजपाल जाटव जी का, इनके बारे में भी कई सारी रिपोर्ट छपने लगी थी। खैर, यहाँ जो कहा गया है कि इसके अलावा सत्संग में मृतकों के परिजनों और घायल श्रद्धालुओं के भी बयान दर्ज किए गए हैं।
सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट में सत्संग का आयोजन करने वाली कमेटी के द्वारा अनुमति से अधिक लोगों के बुलाने ना काफी इंतजाम के साथ साथ अनुमति देने के बावजूद मौके पर अफसरों के द्वारा मुआयना नहीं करने को घटना का जिम्मेदार बताया गया है। अगर आप इसे पूर्ण रूप में देखें तो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ ठेकरा प्रशासन के कुछ चुनिंदा अफसर, खास करके पुलिसकर्मी सिपाही जो ड्यूटी में तैनात होंगे, उन्हें निशाना बना लिया गया है। जो इस आयोजन कमेटी में सुरक्षाकर्मी खड़े थे, प्राइवेट सुरक्षाकर्मी जो आयोजक के होते हैं, उन लोगों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया है और SIT की रिपोर्ट भी उन्हीं के इर्द गिर्द घूमने लगी है। इसके अलावा कोई विशेष कार्रवाई हो जाए, जो इतने बड़े आयोजक और ये खुद बाबा जो प्रवचन देने के लिए आए थे, उनसे पूछताछ करने की कोई जहमत नहीं है। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर बाबा को बचाने के पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है। तो भैया, सबसे बड़ी वजह यह है कि बाबा जी का पॉलिटिकल हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा है। पक्ष हो विपक्ष हो, हर जगह बाबा जी छाए हुए हैं। अब आप समझेंगे कैसे। दरअसल एक सिस्टम है, जो ये बाबाओं की मंडली है, यह एक सिस्टम के तहत चलता है। इसमें आप देखेंगे कि पहले पॉलिटिकल कॉरिडोर के बड़े बड़े नेता बाबा के यहाँ जो है चरण वंदना करने पहुँच जाते हैं। वो इसलिए जाते हैं कि उनके जो फॉलोअर्स हैं वो बाबा से कनेक्ट हो जाए, और बाबा की जो एक आभा मंडल है वो बहुत बड़ा दिखाई पड़ने लगे, जिसके चलते और भी सामान्य जनमानस जो हैं उनके साथ जुड़ जाए। लेकिन इसका असर क्या होता है कि वो जब बाबा के फॉलोअर्स बन जाते हैं पॉलिटिकल पब्लिसिटी के जरिए, तो फिर वही बाबा अपने फॉलोअर्स को वोट बैंक के रूप में किसी भी नेता के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में चाहे ये बागेश्वर धाम सरकार हो या फिर ये भोले बाबा हो, साकार हरि भोले बाबा, ये सब उसी पैटर्न के इर्द गिर्द फले फूले हुए हैं और अपनी मंडली में लोगों की भीड़ इकट्ठा कर उन्हें वोट बैंक बना लेते हैं। ऐसे में अभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं करीब 10 सीटों पर विधानसभा के, और इस उपचुनाव में अब ये बाबा जो 11% जाटव वोटों पर पकड़ रखते हैं, ऐसा दावा किया जाता है, ये बाबा जी अब अपनी ताकत के जरिए सत्ता पक्ष को भी खुश कर सकते हैं। अब सत्ता पक्ष ने इन पर नरमी बरती है तो निश्चित तौर पर वह 10 सीट जिताने की जो कोशिश होगी वो कहीं ना कहीं इनके वोट बैंक की अपील जो होगी वो सीधे सीधे योगी जी के पक्ष में, BJP के पक्ष में जाती दिखाई पड़ेगी। तो इसका असर आप समझ रहे हैं, यह एक बहुत बड़ा खेल होगा, और इस खेल में खासकर दलित वोट बैंक पर जो पार्टियों की नज़र है उसमें हर कोई यही देखता है कि सूरजपाल जाटव कितने प्रभावी हैं। नवभारत टाइम्स ने रिपोर्ट भी प्रकाशित कर दिया था, हाथरस हादसा, दलित वोट बैंक पर पार्टियों की नज़र, बाबा पर नेता नरम, 16 जिलों में सूरजपाल जाटव का असर। अब ऐसे सूरजपाल जी की इतनी महिमा मंडन हो चली है कि अब बाबा जी तो खुद समझते हैं कि हम हैं, तभी यहाँ पर सब कुछ क्लियर होगा, किसी का राजनीतिक भविष्य चमकेगा। इसमें एक रिपोर्ट भी छपी कि सियासी जानकारों की माने तो UP के 16 जिले में बाबा का असर है, खासकर दलित समाज पर। प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र राणा की माने तो इसके पीछे दलित समाज श्रद्धालुओं की भीड़ में नेताओं को अपना वोट बैंक दिख रहा है। 5 जुलाई को ही कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हाथरस पहुंचे थे, घायलों से मिले, मदद का भरोसा दिया और कहा कि हादसे के लिए प्रशासन जिम्मेदार है, और हर किसी ने बाबा जी को टारगेट नहीं किया क्योंकि उन्हें पता है कि बाबा जी वोट बैंक घुमाने में अव्वल है। इसलिए पुलिस का रुख भी हैरान करने वाला है। SIT की जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट यही कहती है कि बाबा जी तो बच निकले हैं, बाकी लोग फंसेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइफ TV, सच सबसे आगे।